सीरियसली यार, डस्टर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, 1 लाख का नुकसान हुआ सीधा। 1 लाख का नुकसान क्या हुआ है, तो मैं दुकान पे लेके जा रहा हूँ, गाड़ी को शोरूम पे लेके जा रहा हूँ, मतलब वहाँ से मैकेनिक खोल के बताएगा मेरे को किसमें क्या क्या टूट फूट हुई है। जो 1 लाख खर्चा बताया मेरे को शोरूम पे, बताया था मैंने कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे 70,000 से 90,000 के बीच का खर्चा बताया मेरे को। तो दुकान पे लेके चलते हैं उसको, वहीं दिखाते हैं, उसको खोलने के बाद पता लगेगा इसमें ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या हो रही है। चलो चलते हैं सीधा दुकान पे, वहीं चल के मिलते हैं। कहाँ फंसा दी गाड़ी दोनों बस वालों ने। सो गाड़ी भी ले आया मैकेनिक के पास में, ये दुकान है जनरल मोटर गैराज मोटर मार्केट में। गाड़ी का काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने भैया को एक दिन पहले घर पे बुला के बता दी थी प्रॉब्लम, भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका सस्पेंशन ख़त्म हो गया आगे, भाई जो शॉकर होते हैं मतलब दोनों ख़त्म हो गए, तो आगे से कटकट आवाज़ आती है, थोड़ी बहुत खड्डों में उतरती है गाड़ी तो कटकट की आवाज़ आती है। तो इसके मतलब एकदम से जैसे स्पीड से नहीं चला सकता मैं इसको, 50-60 चला सकता हूँ, क्योंकि एकदम से अगर खड्डा आ जाए ना तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसमें। तो आगे के दोनों सस्पेंशन डालेंगे, उसके साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम और होती, देख लेंगे अभी क्या प्रॉब्लम होती। बाकी इस चीज़ के यार कंपनी में लेके गया था मैं, वहाँ पे 80,000 रुपये खर्चा बताया था मेरे को, तो देखते हैं क्या होता है आगे। जैसे वो साइकिल में डग आ जाता है वैसे हो रहा है इसमें तो ना, जब भी थोड़े खड्डों में कूदते हैं मतलब ये स्टीयरिंग को पता लगता है मेरे को, है ना। कैसे हो रहा है बताओ एक बार। अच्छा अच्छा, आराम क्या होता है, आराम देखना है यहाँ पर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो उसकी तो है ग्रीवो गुट्टे डीली हुई है, गुट्टे खत्म हो गए। अच्छा, गुट्टे तो नए डाल देंगे पूरे, देखते हैं ना उसका अगर बोल जॉइंट सही हुआ। हाँ, इसमें जाने क्या क्या होता है यार गाड़ियों में। तो आवाज़ आती है, आवाज़ शोकर से नहीं आती शायद यार, वो यहीं से आवाज़ आती है। वो आवाज़ तो इसकी है। किसकी? इसकी आरम की। हाँ, आरम की आवाज़ है वो, है ना। पर ये शोकर देखो ना आप। हाँ हाँ, बिल्कुल भी खत्म हो गया ना, वेल वेल सारी पिट विट सब पड़ गए। पड़ गया ना भाई, मेन प्रॉब्लम उसमें वो आवाज़ की थी, क्योंकि खड्डों में कूदते ही जैसे कोई ढीला हो जाता ना रोड वगैरह, तो इसे आरम की आवाज़ आती है, है ना। तो आरम क्या ये होती है रोड मतलब? हाँ, आरम होता है। अच्छा, ये आरम होता है। तो 7-8 साल में गाड़ी काम मांग ही लेती है यार, है ना। 8 साल हो गए इसको पूरा। बाकी इसमें पता नहीं क्या क्या होता है, आराम आती है कोई, क्या आता है। ये होती है आराम। हाँ, क्या खराब हुआ इसमें? ये गुट्टे। अच्छा भाई, इन गुट्टों को ये तो पूरी नई डलेगी। नई कितनी की आती है? और है ना, इसमें इसकी वजह से बहुत आवाज़ आती है भाई। ये कहीं स्पीड से चलती रही गाड़ी, वो खड्डों में कूद जाए ना तो घट घट आवाज़ आती है, तो मेरे को चलाने में डर लगता है। तो यार कहीं टायर वायर खुल के भाग जाए एक तो। अरे शोकर की हालत हो रही है इसकी, सस्पेंशन की पूरा ऑयल ऑयल निकल रहा। भाई इसमें लेके आए हम नई आरम, इसको बोलते हैं आरम। ये टायर को कार से लिंक करती है, मतलब इसके ये ख़राब हो गए हमारे, ये और ये ख़राब हो गया बिल्कुल। पुराने बताता हूँ मैं आपको भी, तो ये है पुराने, तो ये ख़त्म हो गए, इसकी वजह से आवाज़ करती थी गाड़ी, और ये बिल्कुल लूज़ हो रहे हैं, और ये वाले बहुत टाइट है इसमें। तो इसके शोकर कितने चल जाएंगे भैया? फिर भी शोकर चलते हैं आराम से, है ना, 3-4 साल तो चलते ही हैं।
अगर आप जैसे आराम से चलाओ गाड़ी, इतनी सर्विस तो देती है, उसका ऑयल निकल गया तो इससे कोई वो तो प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप तो फिर दो तीन हज़ार चला के चेंज करवा लेना भैया, आवाज़ आने लग जाएगी शोकर में, कर दूँ कुत्ते जो खराब होते हैं ना बट बट। हाँ तो आवाज़ नहीं आती इनमें से भाई, मेन तो क्या झटके उठ के आ रहे थे ना। हाँ झटके आ रहे थे, खड्डों में उतरते थे, डग आता था मतलब गाड़ी में वो मिट जाए एकदम से, रेस छोड़ देते तो आप गेप रहता था थोड़ा बहुत, हाँ ना डग करता था, वो खत्म हो जाएगा उसको भाई। बनने क्या सारा सामान का पूछ ही लिया उनसे। हाँ हाँ सही बात है, आप उस हिसाब से काम करवा लेना सारे, दोनों आराम पे कर दे इसमें थैली में, गाड़ी में रख दे। भाई तुम कंपनी में काम करवाते हो ना तो इतना डिफरेंस आता है, मतलब यार बाहर करो कंपनी में करो, कंपनी में मतलब है ना डबल पैसे लेते हो तुम, इतना देखा मैंने कंपनी में ट्राई करके आया था मैं और मार्केट में ट्राई की मैंने, और वही चीज़ होती है बस कंपनी का ब्रांड हो जाता है, बाकी जो जिस चीज़ का ब्रांड होता है ना उसका तो वही नाम रहता है भाई, कंपनी के को डाल देते हैं रेनोल्ट वगैरह वरना सेम चीज़ रहती है। तो पूरी बात दिखाता हूँ मैं आपको, देख क्यों क्या ठीक है, है ना कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, आज आज कुछ नहीं आ रही ना अब तो। क्या नाम है और क्या क्या काम करते हो गाड़ियों का आप? अपन सभी गाड़ियों का काम करते हैं भाई, मैं चला के देखूंगा अभी तो। भैया ने जो कंपनी में बताया था मेरे को 1,00,000 का खर्चा, तो भैया ने बहुत कम में से निपटा दिया मतलब मेरे को, अब मैं चला के टेस्ट करता हूँ गाड़ी में क्या प्रॉब्लम होती। चलो ठीक है मिलता हूँ फिर मैं ना। ओके चलो भाई, गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी आवाज़ आने की, आवाज़ नहीं आ रही वो खड्डों में अभी, क्योंकि वो आर्म की प्रॉब्लम थी, आर्म के बुश खराब हो गई थी, आर्म नहीं डाली थी तो इसमें अलाइनमेंट सेट करवा लेते, उसके बाद चला के देखते हैं उसको। अभी थोड़ी गाड़ी बहक रही है, सही नहीं चल रही मतलब आगे से अलाइनमेंट बिगड़ गया, अभी इसका अलाइनमेंट करवाते हैं सही, उसके बाद में देखते हैं फिर। यहाँ पर गाड़ी का अलाइनमेंट सेट करवा लेते हैं अपन, स्टीयरिंग है ना। मैंने भैया से यहाँ बोल दिया तो टायर चारों चेंज कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं कि गाड़ी में टायर डले उसके बाद में ये टायर आगे पीछे नहीं हुए तो आगे टायर ज़्यादा घिस रहे हैं, तो चारों टायर चेंज कर रहे हैं मेरे इधर, आगे का पीछे, पीछे का आगे। सो भाई फाइनली हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, छोटे छोटे दो बच्चे। भाई वीडियो देखते हो डेली तुम? हाँ, कब से देख रहे हो? रही एक दो महीने से देख रहे। इसका उद्घाटन हुआ था अपने और ब्रिज का, जैसे देख रहे हो डेली देखते हो ना। हाँ, चलो बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? रौनक। इधर भाई तेरा फोटो दिखी नहीं रहा, ये रौनक है। और तू? जतिन। जतिन चलो ठीक है, देखो और तुम्हारे मिलने वालों सबको दिखाओ, ठीक है ना भाई? ओके। हेलो दोस्तों, भाई सब कुछ देख लिया आपने, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी। एक महीने पहले मैं गाड़ी को शोरूम पे लेके गया, जो उसका शोरूम में नाम नहीं बताऊंगा मतलब, वरना साले मेरे ऊपर केस वेस कर दे वो। तो शोरूम पे लेके गया तो मैंने गाड़ी दिखाई वहाँ पे कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें आवाज़ आती है खड्डों में उतरते ही। तो उन्होंने चला के देखी गाड़ी, गाड़ी को मेरे को बताया कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने पूरा खर्चा जोड़ के बताया मेरे को 60-70 हज़ार। तो मैंने बोला मैंने यार क्या क्या कितने के सामान आते हैं, तो उन्होंने सामान बताया मेरे को ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, टोटल करके 40-42 हज़ार सामान बताया। उसके बाद में जो लेबर वगैरह जाने क्या क्या होता है तो 50-60-70 हज़ार का बैठ जाएगा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत बुरी तरह से, मैंने क्या करें यार। पापा से बोला मैंने, पापा इतना खर्चा आ रहा है गाड़ी में, तो पापा ने बोला अगर ये गाड़ी कट जाती तो कटा दो नई गाड़ी दे लेते हैं। मैंने कहा यार अब 50-60 हज़ार के लिए 15 लाख लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 15 लाख की बिना अच्छी गाड़ी नहीं आई हुई, तो दिमाग ख़राब हो गया। फिर उसके बाद में तो मैंने दोस्तों से पूछा और बाहर मैकेनिक से बात की, तो मैकेनिक को बुलाया यहाँ पे मैंने घर पे, तो उन्होंने गाड़ी चला के देखी। मैंने बोला यार खड्डों में उतरती प्रॉब्लम होती है, इसमें कटकटी आवाज़ आती है, फिर डर लगता है कि यार स्पीड से चलाएं तो टायर खुल के भाग जाए कहीं। तो उसने भी ये बोला सस्पेंशन ख़त्म हो रहा है भैया तो ये डालना पड़ेगा।
तो उसके बाद मैं दुकान पर लेके गया तो वहाँ पर देखा भाई तो सस्पेंशन ख़राब नहीं हो रहा था, चलने लायक है। मतलब उसमें जो प्रॉब्लम थे आर्म थी ना, वो आर्म के जो बुश होते हैं ना वो कट गए थे पूरी तरह से। तो क्या वो आर्म कहीं ना कहीं खड्डों में जाते ही वो लोहे से टच होती थी, उसकी आवाज़ आती थी भाई। तो वो डली आराम, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं थी गाड़ी में। तो मैं यही बोलूँगा आप सबसे यार, कंपनी में कुछ भी बड़ी चीज़ करवाने से पहले एक बार बाहर मार्केट में ट्राई कर लो, कि वही ब्रांड की चीज़ बाहर मार्केट में मिल जाती है। कंपनी बताओ क्या करते हैं, जैसे इस उंगली में प्रॉब्लम हो रही है मेरे, ठीक है, तो इस उंगली को यहाँ से सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो पूरा हाथ डाल देंगे। तो समझ लो जो खर्चा मेरे कंपनी बताया था ना, उससे भी आधे से भी आधी कीमत में मेरी गाड़ी सही होगी यहाँ और बड़े शानदार चल रही है ऑफिस से। तो भाई कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी के ऊपर मत रहना बिल्कुल भी, कंपनी में जाने कितने गुना ज़्यादा पैसे लूट लेते हैं तुमसे, लेते हैं मतलब हर चीज़ के, क्योंकि ऑप्शन होता है बाहर यार, मॉडिफाई करे कर देता सही। तो बाहर करवाई मैंने तो इतने सारे पैसे बच गए, वरना भाई 60-70 हज़ार का नुकसान हो गया था बहुत बुरी तरह से। तो आई होप आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करो, जो भी चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बनो यार, देखो मत भाई जल्दी सब्सक्राइब करो लाइक करो भाई, थैंक यू।